अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई एम बैक आफ्टर माय पेपर्स। आज इज गोना बी चांद रात और आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे गायों के साथ, क्योंकि इस बार मैंने बिल्कुल भी इस बार क्या कहते हैं गायों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो आज भी मौसम तो बारिश का ही हो रहा है। अभी मैं नाश्ता करके छत पे जाऊंगा तो आप लोगों को उसका मैं क्या कहते हैं सारा मौसम दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को भी बता ही रहा था क्या कहते हैं कि बारिश का मौसम हो रहा है और अब बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। आज भी मेरे ख्याल से ना हम लोग गायों के पास नहीं जा पाएंगे और अगर कल बारिश होती है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बारिश 4 बजे तक चलती रही और बारिश ख़त्म होने के बाद मौसम के सीन्स कुछ यूं थे। Meanwhile, कल का दिन इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक डे क्योंकि कल ईद उल अज़हा है और बस ये सीन है। और ऊपर से अभी 12 बज रहे हैं और सर पे बम ये फूटा है कि कल 6:05 पर हमारी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ है और उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, जो उठा नहीं जाता है ना जावी। yes. तो सो दो जल्दी से जाके। किधर भाग रहे हैं, किधर भाग रहे हैं? फिर कल सुबह उठेगा नहीं है, फिर कल सुबह उठेगा नहीं है, इसको मैं कह रहा हूँ सो जाए। बट अब मैं बता रहा हूँ कल का क्या सीन है। कल का ये सीन है, बल्कि नहीं तो अब का ये सीन है कि अभी जितना भी अगर मैंने ना होने के बराबर जितना ब्लॉग बनाया है वो मैंने अभी एडिट करना है, देन उसके बाद मैं सो जाऊंगा एंड देन कल ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ के दोस्त। हम लोगों ने क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ ली है जल्दी उठ के और क्या कहते हैं अब 5:40 हो रहे हैं और 6:05 के ऊपर क्या कहते हैं नमाज है, तो जल्दी से तैयार होने तैयार हो गया आप लोगों से बात होती है। सो आई एम रेडी और अब बस नमाज के लिए निकलते हैं। बकरा इज चिलिंग हियर। This young boy claims that it's hard to maintain because he gets discriminated due to race. And this young girl says they don't judge her by her brain, too busy looking at her body and her face. Let's talk about life, let's talk about love. If we talk about love, then we should talk about us. And if we're talking about us, we need to talk about growth. They talk about you, but they should talk about both. It's easier to hate now and harder to care. We used to offer help, now we gossip and stare. Comment. Guys, namaste for Leah, aur kya kehte hain? कसाई को 6:30 का टाइम दिया था, अब देखो घर जाके देखते हैं। सो गाइस, नमाज पढ़ के वापस आ गए हैं और अभी तक कसाई नहीं आया जो कि एज यूजुअल लेट तो करता ही है। तो अभी बाकी कपड़े चेंज करने गए हैं और अब इसके बाद मैं भी कपड़े चेंज करने जाऊंगा, देन आई गेस मैं नाश्ता करूँगा एंड देन उसके बाद अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। दिस इज माई ईद उल अज़हा ट्रांसफॉर्मेशन। 3, 2, 1 एंड यस एज यू कैन सी आई एम रेडी नाउ एंड नाश्ता इज डन और जानवर क्या हमारा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। जावेद, जावेद इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, क्या क्या जल्दी आओ, जल्दी 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 हाय कर दो ब्लॉग में। हाय। उठ गए? नींद पूरी हुई? नींद पूरी नहीं हुई बेटा, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई। नहीं हुई क्योंकि मैं जागे रहा था। जागे रहे थे, मैंने बोला भी था ना तुम जल्दी सो जाओ। तू क्या हुआ तब ब्लॉग में? मैं सो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद ही नहीं आ रही थी? बताऊँ मैं जब मैं कल सो रहा था ना बहुत सो रहा था। बहुत ज़्यादा सो गए थे कल? मेरी तो आओ गाय के पास चलें। चलो चलते हैं जल्दी से जाओ। ये शाबाश शाबाश शाबाश। तो बस अभी अभी से थोड़ी देर के बाद कुर्बानी स्टार्ट होने वाली है एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि जिन जानवरों को हम लोग अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं हमें उनकी इज्जत भी करनी चाहिए।
कुर्बानी के बाद घर पे दावत भी है, कजन्स वगैरह आएंगे, सो लेट्स सी तब क्या होता है. और आई विल कंटिन्यू द व्लॉग आफ्टर द कुर्बानी. हो गई कुर्बानी? हाँ, गाय को देख के मेरी और नींद पूरी हो गई. नींद पूरी हो गई अब? हाँ. तो आप क्या गाय का क्या बना के खाना है? बोटी. बोटी बना के खानी है. बारबी को करनी है तुमने? बारबी को? हाँ, बारबी को तो करनी है ना, सारी दिन की हमारी पार्टी है. पार्टी मतलब सारे दिन पार्टी करते रहेंगे? हाँ, पार्टी करते रहेंगे. थोड़ी दिन बाद रोकेंगे तो फिर कुछ हेल्दी फूड खाएंगे. 10:30 हो रहे हैं अभी और आई एम सुपर एग्जॉस्टेड क्योंकि बाहर के काम तो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं कुर्बानी के. अच्छी बात है, सुबह सुबह फारे हो गए. बट ऑन द अदर नोट, दूसरी न्यूज़ ये है कि आई थिंक आज बारिश हो सकती है बिकॉज बहुत सारे काले बादल आ रहे हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. अभी फ़िलहाल मैं सोने की कोशिश करूँगा बिकॉज बहुत बहुत थक चुका हूँ. उसके बाद जब सो के उठूंगा देन आई विल कंटिन्यू द व्लॉग. लेकिन ये रेस्ट करना तो मेरे लिए हसरत बनकर रह गया क्योंकि लेटते साथ ही मेरे अब्बू ने मुझे गोश्त मारने के लिए उठा दिया. कह रहा हूँ वाओ, स्विमिंग पूल अभी तक लगा हुआ है. क्या बात है, क्या बात है कराची की. ऑल डन, सब हो गया है, मतलब सारा गोश्त वगैरह तकसीम हो गया है. नाउ अब बस घर चलो. अब नहीं रहा जा रहा, अब थक गया हूँ मैं बहुत. आई डो नॉट थिंक आई विल गेट एन आउंस ऑफ रेस्ट टुडे बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू कब्रिस्तान. ईद है, चलता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा. तो हम लोग कब्रिस्तान से वापस आ गए हैं और अब रोटियां वगैरह लेनी है. अब घर जाएंगे एंड खाना खाएंगे एंड देन अगर मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता है तो रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है. फाइनली आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्लीप एंड अब थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ. मसला ये है कि आई नो फॉर श्योर बाकी मेरे दिन में कुछ भी नहीं होना. जो मेरे कज़न वगैरह आए हुए थे वो भी जब मैं सो रहा था तभी चले गए. सो आई एम थिंकिंग टू एंड द व्लॉग राइट हियर. एज अ थॉट कि मेरा दिन खत्म हो गया है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. घर में ये प्लान हुआ है कि आज हम लोग डिनर क्या कहते हैं बाहर करते हैं. और जावी क्या कौन सी जगह सेलेक्ट हुई है? कैसे जाएंगे घर? बारिश हो गई. चलो चलो अंदर चलो, तेज हो रही है बारिश, बहुत तेज हो रही है बाहर बारिश. सिटिंग हियर और जावेर कब से पागल सीट पे घूमे जा रहे हैं वो देखे. मतलब पागल है. Success. To care. We used to offer help, now we gossip and stare. Comment, like, swipe, share. Hate used to be rare, now you see it everywhere. Man wants to be radical and take away life. Behaving like an animal, you see it in his eyes. Load up his weapon. Bhai, sabne khana khaya? Ye hamare bhai straw kha rahe hain. Hawa kha rahe straw ke zariye. अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और अभी हम लोग बाहर नहीं निकल रहे बिकॉज जैसे ही निकलेंगे हम लोगों ने पूरा भीग जाना है. बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही बट हम अब निकल रहे हैं बिकॉज क्या ही कर सकते हैं, थोड़े से भीगेंगे ना. Help each other with the slander and shame. Do something good, they forget about your name. When you do something bad, watch out falsify fame. Inside the body, there's a piece of flesh. If this flesh. हारून भाई, हारून भाई. हाँ जी भाई. इस बारिश के मौसम में दो लाइनें तो होते हैं. यार दो लाइनें आ रही हैं मेरे जहन में. सुनाइए. आपको सुनाता हूँ. इरशाद इरशाद. तो एक एनोनिमस शायर ने बड़ा खूब कहा है कि इस बारिश के मौसम में, कि इस बारिश के मौसम में वाह 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 लोग दिल लगा रहे हैं. ओ हो 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 हो. लोग दिल लगा रहे हैं. हाय हाय हाय. इस बारिश के मौसम में लोग दिल लगा रहे हैं और एक बदकिस्मत हम हैं कि वाइपर लगा रहे हैं. So that's it for the video. I hope आप लोगों को अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट फॉर द एल्गोरिथम.
मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने आस पास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा. अल्लाह. They wanna know about Islam, we'll give them doubt.